राम राम साहब। आज 21 तारीख का YouTube को पैसा आया हुआ है, पूरा 5 लाख रुपए। ये देखिए, एक वीडियो पे सिर्फ व्यू है 1.5 मिलियन, मतलब 15 लाख। और अर्निंग कितना है भाई? $6,100। ये है YouTube का पावर, ठीक है? YouTube को हल्के में नहीं लेना। $1,433 मतलब होता है $1,17,000। तो इतना पैसा आपको YouTube दे देता है एक वीडियो वायरल होने से, यानी कि करीब ऑलमोस्ट 15 लाख रुपए सिर्फ एडसेंस अर्निंग आई है 5 वीडियो की। बाकी इसके अलावा YouTube में बहुत अलग अलग तरह की अर्निंग। हां, अभी एक नौकरी करने वाला कभी नहीं मिल पाएगा। आप देखोगे कि जो भी ले रहा है एक यूट्यूबर ही ले रहा है। दोस्तों, ये कहानी है एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के की। मेरा मुख्य थाना पटेल नगर में यूट्यूबर लता अधिकारी की सोसाइटी खबर सामने आई। कहा जा रहा है कि लता अपने यूट्यूब चैनल को लेकर परेशान थी कि उसका यूट्यूब चैनल अपने और फॉलोअर्स घटने की वजह से उसने ये कदम उठाया। हैदराबाद के एक 23 वर्ष के यूट्यूबर ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके यूट्यूब चैनल पर व्यूज और सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे थे। यूट्यूब के पैसे से इतना बड़ा स्टोर ओपन कर दिया, देख रहे हो? लड़का इस समय कक्षा 10वीं की पढ़ाई कर रहा है, पर एक बात उसको हमेशा खटकती रहती थी कि उसकी क्लास के कई लड़कों के पास और गांव के कई लड़कों के पास टच स्क्रीन वाला फ़ोन था, पर उसके पास नहीं था। वो जब भी किसी को फ़ोन चलाते हुए देखता था, उसका भी बड़ा मन होता था कि मेरे पास भी ऐसा ही एक फ़ोन हो। उसने कई बार घर वालों से भी जिद की, पर हर बार वो टाल देते थे। पर अंत में उसने अपनी कक्षा को पास करते हुए जिद करके मोबाइल मंगवा ही लिया। अब वह बड़ा खुश था। अब जब मोबाइल आ ही गया है तो उसने वो सारी एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर ली जो एक साधारण यूज़र करता है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गेमिंग एप्स वगैरह वगैरह। और आमतौर पर जैसा कि हम सभी देखते ही हैं, वो भी अपना अधिकतर समय सोशल मीडिया पर ही व्यतीत करने लगा और तरह तरह की लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाने वाले इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो भी करने लगा। कई महंगी महंगी गाड़ियाँ, आईफोन्स, बड़ी और महंगी बिल्डिंग्स और एकदम पूरी लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाने वाले इन्फ्लुएंसर्स तो हर प्लेटफॉर्म पर आसानी से मिल ही जाते हैं। तो वो लड़का उन्हें देख देख कर उन्हीं के ख्यालों में खोया रहता है और उन्हें पाने की भी सोचने लगता है। और उसी बीच एक दिन उसके सामने एक वीडियो आती है, यूट्यूब से घर बैठे लाखों कैसे कमाए। उत्सुकता और लालच के मारे उसने वो वीडियो देख ली और वीडियो देखने के बाद उसके मन में कई सारे प्रश्न उठने लगते हैं, जैसे क्या सच में यूट्यूब से पैसे कमाए जा सकते हैं? क्या मैं भी यूट्यूब से पैसे कमा सकता हूँ? क्या मैं भी घर बैठे लाखों कमा सकता हूँ? यूट्यूब पर पैसे कमाने के लिए मुझे क्या करना होगा, वगैरह वगैरह। और अब वह इन प्रश्नों से संबंधित कई सारे वीडियोस देखने लगता है, जिससे उसे धीरे धीरे यह विश्वास हो जाता है कि हाँ, सच में यूट्यूब से पैसे कमाए जा सकते हैं। वीडियो देख देख कर उसने यह तो सीख ही लिया था कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, तो उसने सोचा कि मैं भी चैनल बनाता हूँ, वीडियो डालता हूँ और पैसे छापता हूँ। पर यह इतना आसान कहाँ था? अब तक उसकी समझ में मात्र इतना ही आया था कि यूट्यूब पर 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करके पैसे कमाओ। तो बस फिर क्या था, बना लिया उसने अपना चैनल। और यूट्यूब पर बड़े बड़े क्रिएटर्स को तो वो फॉलो करता ही था, जैसे टेक्निकल योगी, टेक्निकल गुरुजी, महात्मा जी टेक्निकल, टेक्निकल मनोज, टेक्निकल फलाना ढींका वगैरह वगैरह। तो क्या था कि उस लड़के ने भी अपने चैनल का नाम ऐसा ही रख लिया। जैसे मान लो उसका नाम सुरेश था, तो उसने भी अपने चैनल का नाम टेक्निकल सुरेश रख लिया और डालने लगा वीडियो कहीं से भी उठा उठा कर। कहीं से कोई मूवी क्लिप मिल गई तो वो डाल दी, कहीं से कोई डांस वीडियो मिल गया तो वो अपलोड कर दिया, यानी दूसरों का कंटेंट उठा उठा कर वो डालने लगा। ना तो वो कॉपीराइट वगैरह के बारे में जानता था और ना ही यूट्यूब के किसी दूसरे कम्युनिटी गाइडलाइन के बारे में। उसका उद्देश्य बस इतना ही रह गया था कि बस कैसे भी करके 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे पूरे ही करने हैं और बस फिर पैसा कमाओ। तो उसने दूसरों की कई सारी वीडियोस डाल दी थी, जिनमें से कुछ वायरल भी चली गई थी, जिनसे उसका 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे वाला क्राइटेरिया पूरा हो गया, जिससे वह बड़ा खुश हो गया कि अब तो बस कैश करेंगे, पैसा ही पैसा होगा। तो उसने अब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया। तो एक दो दिन बाद उसे रिजेक्शन मेल आता है, जिसे देखकर वह बड़ा दुखी हो जाता है क्योंकि वो उन वीडियो से पैसे नहीं कमा सकता था। तब उसकी समझ में आया कि हाँ, यूट्यूब पर किसी दूसरों की वीडियो डालकर अर्न नहीं किया जा सकता। और अब वो थोड़ा थोड़ा कॉपीराइट क्लेम वगैरह के बारे में भी जानने लगा था। तो उसने फिर से एक नया चैनल बनाया और अब ये तय किया कि अब से खुद से ही वीडियो बनाऊंगा। तो जब भी वो कहीं जाता था तो वहाँ का वीडियो शूट करके अपलोड कर दिया, जब भी घर में कुछ बन रहा हो नया तो फिर उसको शूट करके अपलोड कर दिया, कभी कुछ अपलोड कर दिया, कभी कुछ, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो वीडियो डाल रहा था। पर वीडियो चल नहीं रहे थे, अच्छे व्यूज नहीं आ रहे थे और सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि शायद अलग अलग प्रकार के वीडियो डालने से कोई सब्सक्राइब भी क्यों करेगा। तो लड़के ने कई सारे यूट्यूब क्रिएटर्स के वीडियो देखे, तब उसे समझ में आया कि ऐसे कई प्रकार के वीडियो डालने से, यानी अलग अलग कैटेगरीज के वीडियो डालने से काम नहीं चलेगा, कोई एक निश चुननी चाहिए और उसी से रिलेटेड वीडियो डालने चाहिए। तो उसने फिर से सब कुछ डिलीट किया, फिर से नई शुरुआत की। यूट्यूब गुरुओं
लोगों को तो फॉलो करता ही था, तो उसने सोचा कि मैं भी ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ और लग गया काम पर। खुद को तो कुछ आता नहीं था, पर फिर भी लोगों को यूट्यूब पर सक्सेस कैसे होना है ये सिखाने लगा। कॉम्पिटिशन तो है ही, इतनी अच्छी एडिटिंग भी नहीं जानता था, मोबाइल से ही शूट करता था तो वीडियो भी बहुत अच्छे क्वालिटी के नहीं होते थे, बोलना भी ढंग से नहीं जानता था अभी तो वीडियो कैसे चलते। शुरू में जोश जोश में उसने कुछ वीडियो डाले और फिर परेशान, किसी ने कमेंट और कर दिया कि भाई पहले खुद तो ग्रो कर ले फिर लोगों को ज्ञान बांटना। इससे वो और दुखी हो गया और वीडियो डालना बंद कर दिया। फिर उसने यूट्यूब पर आशीष चंचलानी, भुवन भाम, अमित बड़ाना जैसे कॉमेडियंस के वीडियो देखे तो उसने सोचा कि क्यों ना यार मैं भी कॉमेडी वीडियोस बनाऊं। बस फिर क्या था, हो गया शुरू। और अब कॉमेडी वीडियो बनाकर जितनी उसे बन पाती थी एडिटिंग करके अपलोड कर दिया करता था रेगुलर कंटिन्यूसली, तो वीडियो डाल नहीं पाता था। सब्सक्राइबर भी वही थे जो उसने अपने दोस्तों से फोन ले लेकर खुद ही सब्सक्राइब किया था, और व्यूज भी उतने ही मिलते जितना कि वो अपने दूसरी ईमेल आईडी से खुद ही देखता था। और कुछ दिन बाद वो इससे भी उब गया। कैरी मिनाटी की वीडियो देखकर वो रोस्टिंग वीडियो बनानी शुरू कर दी उसने, पर ये भी ज्यादा दिन नहीं चल पाया। फिर कुछ दिन बाद मोटिवेशन देने लगा, फिर टिप्स एंड ट्रिक्स, फिर उसने न्यूज चैनल बना लिया। यानी किसी भी एक फील्ड में टिक नहीं पा रहा था, परेशान हो गया था कि क्या करूं और क्या ना करूं। लोग उसकी वीडियो देखकर हंसते थे वो अलग, वो अंदर ही अंदर अपने आप को और अपने भाग्य को कोसने लगा था। पर जैसे ही वो YouTube पर किसी ऐसे व्यक्ति की वीडियो देखता जो YouTube से इस समय पैसे कमा रहा है, तो उसके मन में आशा की एक लहर उठती कि हाँ YouTube से पैसे कमाए जा सकते हैं, तो फिर वो फिर शुरू हो जाता। इस बार वो सौरव जोशी की वीडियो देखकर व्लॉगिंग वीडियो बना रहा है। हर बार व्यूज नहीं आने के कारण, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ने के कारण, दोस्तों और पड़ोसियों द्वारा उपहास उड़ाए जाने के कारण वह परेशान और डिप्रेस्ड हो गया। पर जैसे ही वो YouTube ओपन करता था उसके सामने कुछ ऐसी वीडियोस आती जैसे कि मैंने YouTube से उतने कमाए, मैंने YouTube से इतने कमाए, मैंने YouTube से कार ले ली, मैंने YouTube से घर बना लिया, तो उन्हें देख देख कर वो और बेचैन होता कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं क्यों नहीं कमा सकता। पर एक मिनट, कहीं ये कहानी आपकी तो नहीं? जी हाँ दोस्तों, यह कहानी आपकी भी हो सकती है, यह कहानी मेरी भी है, और यह कहानी हर उस व्यक्ति की है जिसने इसे देखकर खुद से रिलेट किया है, और हर उस व्यक्ति की यह कहानी है जो आज YouTube से पैसे कमाने की अंधी दौड़ में लगा हुआ है। वो सोशल मीडिया पर मात्र मनोरंजन के लिए आए थे, फिर अपने इन्फ्लुएंसर्स को देखकर वो यूट्यूबर बनने की सोचने लगे और फिर फंस गए इस बुलबुलैया में। न तो वो यहाँ कमा पा रहे हैं और न ही इसे छोड़ पाते हैं, और इसके चक्कर में कुछ और काम भी नहीं कर पाते। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि YouTube से पैसे नहीं कमाए जा सकते, और ये भी नहीं कहूँगा कि हर कोई YouTube से पैसे कमा सकता है। कई सारे क्रिएटर लोगों को ये समझाते हैं कि YouTube पर पैसों को देखकर मत आओ, जो कि सही बात है, पर ये बात भी उतनी ही सही है कि YouTube पर हर क्रिएटर पैसों को देखकर ही आया था। ऐसा तो कोई विरला ही होगा जो YouTube पर पैसों के बारे में सोचकर नहीं आया। तो आप लोगों को बस ये करना है कि YouTube पर पैसे के चक्कर में आ तो गए हैं, पर अब पैसे के बारे में नहीं सोचना है। जी हाँ, और उन क्रिएटर्स को भी नहीं देखना है जो YouTube पर बार बार पैसा दिखाते रहते हैं, हर तीसरे वीडियोस में पैसा दिखाते रहते हैं कि मैंने इतने कमाए, मैंने उतने कमाए, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, क्योंकि वो तो पैसे दिखा दिखा कर अपने व्यूज बटोर रहे हैं, और आप लोग उन्हें देख देख कर बेचैन हो रहे हैं और ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे। दोस्तों मैं यह तो नहीं कह सकता कि लोगों को अपनी अचीवमेंट YouTube पर नहीं दिखानी चाहिए, यानी उन्होंने जो भी YouTube से कमाया है वो YouTube की वीडियो में दिखाना कोई गलत नहीं है, पर उन लोगों को उसी वीडियो में इतना तो बताना ही चाहिए कि ये जो भी आप देख रहे हैं यह काफी परिश्रम का परिणाम है, तो मात्र इसे ही देखकर YouTube पर मत आ जाइए। यदि सच में कुछ YouTube पर करना है तो कोई एक फील्ड पकड़ो जो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, और फिर उसी से रिलेटेड वीडियो देखो, उसी से रिलेटेड वीडियो बनाओ, उसी पर काम करो, और पैसे के बारे में मत सोचो। पैसे आएंगे तब देखा जाएगा कि क्या करना है, तब तक तो उस पर पूरी तरह से फोकस कर लो। और ये कोई हलवा नहीं है कि थोड़ी देर में बनकर तैयार और खा लिया, ये सिस्टम ही ऐसा है कि बस अंधेरे में तीर चलाना है, और यदि आप में धैर्य ही नहीं है तो फिर YouTube ही नहीं किसी भी फील्ड में आपके सफल होने के चांस बहुत कम है। तो यदि आपके पास ढेर सारा समय, धैर्य और एक दृढ़ता है कि हाँ बस यही करना है और यही करना है, तो फिर YouTube पर आपका स्वागत है। बाकी चीज़ें आप स्वयं ही यहाँ से सीखते जाओगे और धीरे धीरे अपने आप को और अपने काम को निखारते जाओगे। और मैं यहाँ किसी को भी YouTube पर आने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य मात्र इतना है कि जो भी YouTube पर पैसा कमाने के लिए अपने समय और ऊर्जा नष्ट कर रहा है, या तो वे पूरी तरह से ठीक से अच्छे से काम कर ले, या फिर पूरी तरह से छोड़ दें, क्योंकि ऐसे ही बीच में चक्कर काटने से क्या फायदा। कोई भी क्रिएटर आपको लुभाने के लिए पैसे दिखा रहा है तो इससे तो उसको व्यूज और पैसे मिल रहे हैं, आपका तो यूं ही समय नष्ट हो रहा है ना। आशा है आप समझ रहे होंगे, और मैं भी ऐसे ही बीच में चक्कर काटता न रह जाऊं, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।